जय श्री कृष्ण दोस्तों, कुहूर आर्ट गैलरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बच्चे के लिए एस अक्षर से प्रारंभ होने वाले बहुत ही प्यारे प्यारे नाम लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है संचित। संचित का अर्थ होता है एकत्रित। इस नाम के लोगों में अपने नाम के अनुरूप संचय करने की विशेष प्रवृत्ति होती है। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है सुयस। सुयस का अर्थ होता है सुख्याति या सुकृति। इस नाम के लोग अपने नाम के अनुरूप सुकृति प्राप्त करते हैं, अर्थात बहुत ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है सक्षम। सक्षम का अर्थ होता है कुशल। इस नाम के लोग हर क्षेत्र में बहुत ही अधिक कुशल होते हैं। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है सात्विक। सात्विक का अर्थ होता है शुद्ध। यह भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। इस नाम के लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव ही बने रहती है तथा वे भगवान श्री कृष्ण के समान ही हर विधाओं में कुशल रहते हैं। आप अपने बच्चे को सात्विक नाम दे सकते हैं। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है समर्थ। समर्थ का अर्थ होता है योग्य। इस नाम के लोग अपने नाम के अनुरूप हर क्षेत्र में योग्यता को प्राप्त करते हैं। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा रहेगा। अगला नाम है सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है उद्देश्य वाला। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा रहेगा। आप अपने बच्चे को सार्थक नाम दे सकते हैं। अगला नाम है शिवाय। शिवाय का अर्थ होता है भगवान शिव। यह नाम बहुत ही प्यारा है। इस नाम के स्वामी पर माँ गौरा और भगवान शिव का असीम आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला नाम है शिवंश। शिवंश का अर्थ होता है भगवान शिव का एक अंश। इस नाम के लोगों पर भगवान शिव का असीम आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है सलील। सलील का अर्थ होता है पानी या जल। इस नाम के लोग जल के ही समान बहुत अधिक शीतल स्वभाव के होते हैं। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है संकेत। संकेत का अर्थ होता है निशान। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चे को संकेत नाम दे सकते हैं। अगला नाम है समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है संपन्न, सफल या भाग्यशाली। इस नाम के लोग अपने नाम के अनुरूप बहुत ही अधिक संपन्न और भाग्यशाली होते हैं। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चे के लिए समृद्ध नाम का चुनाव कर सकते हैं। अगला नाम है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है लगातार या सदा। यह नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा है। आप अपने बच्चे के लिए शाश्वत नाम का चयन कर सकते हैं। अगला नाम है सोनक। सोनक का अर्थ होता है समझदार या बहुत ही प्यारा नाम है। शास्त्रों में भी सोनक नाम को बहुत अच्छा माना गया है। आप अपने बच्चे के लिए सोनक नाम का चयन कर सकते हैं। अगला नाम है साकेत। साकेत का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। इस नाम के लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा सदैव ही बनी रहती है। अगला नाम है समर्थ। समर्थ का अर्थ होता है शक्तिशाली। इस नाम के लोग अपने नाम के अनुरूप हर कार्य को करने में समर्थ होते हैं। आप अपने बच्चे के लिए समर्थ नाम का चुनाव कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।